नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन और हमारे गायनी इनफर्टिलिटी टॉक सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कोरोना एंड प्रेगनेंसी। इसके पार्ट वन में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके बारे में एक जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये एक नया वायरस है, इसके बारे में अभी हम सब कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए सारे प्रिकॉशंस लेकर यानी सारी सावधानियां बरतकर इससे बचने में ही समझदारी है। अभी तक हमारे पास जो भी डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से प्रेगनेंसी में इस इन्फेक्शन के होने का रिस्क और इसकी सीवियरिटी नॉर्मल लोगों जैसी ही है, पर हम ये हमेशा से जानते हैं कि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी यानी किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे बॉडी की वो कम हो जाती है, तो इसलिए किसी भी इन्फेक्शन के होने का रिस्क ज़्यादा होता है। और स्पेशली अगर प्रेगनेंसी के साथ आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा है और आपको सारे प्रिकॉशन सीरियसली फॉलो करने चाहिए। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इस इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। प्रेगनेंसी में हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट तो इम्पोर्टेंट है, पर साथ में अगर आप अपने डाइट में विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, ये तीन चीज़ जिन खाने में ज़्यादा है, अगर उनको इंक्लूड करें अपने डाइट में तो ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करें। अब ये विटामिन सी किन चीज़ों में हमें ज़्यादा मिलती है? नींबू हो गए, ऑरेंज हो गए, ब्रोकली, कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज, किशमिश, इन सब चीज़ों में विटामिन सी ज़्यादा होता है। दूसरा कॉम्पोनेंट जो हमने डिस्कस किया, जिंक, ये आपको वेजिटेरियन सोर्स से मिल सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट वेजिटेरियन सोर्सेज में हो गए आपके नट्स जैसे कि काजू हो गए, अखरोट हो गए, बादाम हो गया, फिर दाल हो गए, काले चने हो गए, काबुली चने हो गए, राजमा हो गया, आलू हो गए, बीन्स हो गया, दही, दही में भी जिंक मिलता है हमें। फिर नॉन वेजिटेरियन सोर्स में मीट हो गए, एग्स हो गए, फिश हो गया। तीसरा जो कॉम्पोनेंट हमने डिस्कस किया, विटामिन डी। वैसे तो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है विटामिन डी। इसके अलावा आपको फिश में, एग में, मीट में, इन सब चीज़ों में विटामिन डी मिल सकता है। बाकी कुछ फोर्टिफाइड फूड्स भी आते हैं मार्केट में जिनमें कि वो एडिशनली विटामिन डी ऐड करते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अगर आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है तो हम विटामिन डी टैबलेट्स एडवाइस करते हैं। अब ये सावधानियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करें। स्पेशली अगर कोई भी बाहर से आने वाली चीज़ को आप छू रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे से साफ करें। दूसरी ज़रूरी चीज़, कम से कम बाहर निकलें, जितना हो सके घर से ही अपना काम करें। तीसरी बात, डॉक्टर्स ने जो कंसल्टेशन आपको एडवाइस किए हैं वो तो ज़रूर करें, पर अननेसेसरी हॉस्पिटल विजिट अवॉइड करें और हो सके तो डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन की बात करें। नेक्स्ट ज़रूरी चीज़, बीपी मशीन और ग्लूकोमीटर आप अपना खरीद लें, क्योंकि बीपी नपवाने जब आप जाते हैं तो वो भी एक एक्स्ट्रा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट, अपने इन्वेस्टिगेशन और अल्ट्रासाउंड पहले से प्लान करके रखें, और अगर बाहर निकलना ही पड़े तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सैनिटाइजर अपने पास रखें, जब भी आप बाहर कि कोई भी चीज छुए तो अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, किसी भी दूसरे व्यक्ति से 2 मीटर या 6 फीट की दूरी मेंटेन करें। अब ये तो हो गए कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर इन सब प्रिकॉशंस के बाद भी अगर आपको कोरोना हो जाता है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसमें आपके प्रेगनेंसी पर क्या असर पड़ता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू। आप अपने क्वेरीज या सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उनका जवाब दूँ। और अपॉइंटमेंट या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे लिंक पर क्लिक करें।